I need you for a mission. Raw के लिए नहीं, personal है. Reporting for duty, sir. क्या लगता है, टाइगर ने किसको कॉल किया था? पठान को. पठान का टाइगर 3 में जो कैमियो होने वाला है उसके बारे में सबको ही पता है, लेकिन उसके बारे में हम एकदम आराम से वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे. तो भैया इस बार टाइगर का मामला एकदम पर्सनल है. तो टीजर ब्रेकडाउन में हमने जो अंदाजा लगाया था कि इस मूवी का जो मेन विलन है इमरान हाशमी ने कुछ इंटरनेट की मदद से टाइगर को एक गद्दार, एक ट्रेटर है ऐसा फेक नैरेटिव बनाया था, एक ऐसा साबित किया था. तो ये बात काइंड ऑफ कन्फर्म हो जाती है इस ट्रेलर से भी, क्योंकि इमरान हाशमी कहते हैं कि एक आदमी के लिए उसके फैमिली ही सब कुछ इंपॉर्टेंट होती है, एंड ऑल टाइगर को ऐसा कहते हैं और तुमने मुझसे ये सब कुछ छीन लिया. तो ये डायलॉग यही बात इम्प्लाई करता है कि टाइगर का कोई पुराना मिशन था जिसमें उन्होंने इमरान के साथ जो कुछ भी किया. अब अंदाजा लगा सकते हो क्या हुआ होगा, जिसके वजह से इमरान हाशमी अभी एक रिवेंज पे है. पर यहाँ पे एक ट्विस्ट डालने के लिए और मूवी के स्टेक्स थोड़े से और हाई करने के लिए इन्होंने एक और एंगल डाला है इस स्टोरी में. गेस करो कौन सा होगा. अरे करो हाँ, वही देश वाला एंगल. पर हाँ, एक तरीके से अच्छा ही है, क्योंकि अगर तुम देखो और थोड़ा सोचो तो अब तक हमें जितने भी रॉ एजेंट्स दिखे हैं पूरे स्पाई यूनिवर्स में, उसमें से जो फैमिली वाला एंगल जिस स्पाई के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके साथ हम ऑडियंस इतने ज़्यादा कनेक्टेड है, वो सिर्फ टाइगर का ही एक फैमिली का एंगल है. तो ये फैमिली वाला एंगल टाइगर के स्टोरी में डेफिनेटली मेक सेंस. और ऑब्वियसली यार, ये स्पाई मूवी है तो डेफिनेटली इसमें भी देश का एंगल तो आएगा ही. तो चलो अब ट्रेलर से क्या क्या पता चलता है उसके बारे में थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं. तो पहली बात तो क्लियर है कि जैसे मैंने पहले बताया कि इमरान हाशमी जो विलन है उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके टाइगर से बदला लेने के लिए उन्हें एक ट्रेटर ऐसा फेक नैरेटिव स्प्रेड किया है. और दूसरी बात हमें यह भी पता चलती है कि टाइगर के इस मिशन में कुछ उनके पुराने दोस्त भी इस बार उनकी मदद करने आएंगे, और स्पेशली जो कुमुद मिश्रा का कैरेक्टर है वो. एक्शन के बारे में हम बात करें तो पूरे भर के एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन जो तीन बड़े मुझे एक्शन सेट पीसेस लग रहे हैं वो ये वाले तीन हो सकते हैं कि एक तो होगा वो स्टेल्थ मिशन वाला, जिसमें ये काले कपड़े पहन के टाइगर और बाकी एजेंट्स जा रहे हैं, वो डेफिनेटली एक स्टेल्थ मिशन है. तो ये वाला स्टेल्थ मिशन एक बड़ा वाला प्लॉट हो सकता है मूवी में. उसी के साथ डेफिनेटली ये ब्रिज वाला जो सीन होगा वो भी बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत ही क्रेजी होने वाला है. डेफिनेटली इसमें बहुत सारे सीटियां भी देखने को मिलेंगे थिएटर्स में. और तीसरा जो बड़ा एक्शन पीस हो सकता है वो डेफिनेटली होगा पाकिस्तान के जेल में, क्योंकि हमें पता है ट्रेलर से, और इसका कनेक्शन SRK के कैरेक्टर के साथ भी है, तो वो आगे बात करेंगे. पर ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ट्रेलर बहुत अच्छा था, काफी ज्यादा एक्शन अपने को देखने को मिलेगा. जैसे मैंने पहले बताया कि फैमिली वाला एंगल भी है, रिवेंज का एंगल भी है, और इमरान हाशमी को एक विलन के तौर पे देखने के लिए जो हैंड टू हैंड जाएगा टाइगर के साथ वो देखने में भी काफी मजा आएगा. प्लस SRK का कैमियो भी होने वाला है. तो चलो अब उसके ऊपर ही बात करते हैं. तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बोला कि क्या ये कॉल टाइगर ने पठान को किया था, तो इसके चांसेस है भी और नहीं भी, क्योंकि अगर हम ट्रेलर से ही सिर्फ देखें तो दैट इम्प्लाइज कि जो कुमुद मिश्रा के कैरेक्टर है उनको टाइगर ने फ़ोन किया था और उन्हें मदद के लिए बताया था और बोला था कि ये रॉ का कोई मिशन है नहीं, ये एक मेरा पर्सनल वाला मिशन है. तो ये डेफिनेटली 90% चांसेस तो मुझे इसके ही लगते हैं, लेकिन 10% भी अगर हम डाउट दे दें कि ये शायद पठान के जो कैरेक्टर है SRK ने जो प्ले किया है उसको किया था, तो चीज़ें थोड़ी सी उलझने लगती है एक्चुअली. क्योंकि अगर तुम पठान की मूवी देखो तो उसमें टाइगर ने बोला था पठान को कि मैं एक मिशन पर जा रहा हूँ और वहाँ पर मुझे तुम्हारी मदद लग सकती है, तो मेरी मदद करने के लिए आना. अब अगर हम ऐसा सोचें कि इस मूवी में जो फेक नैरेटिव वाला जो एंगल है, जो कि पर्सनल वाला मिशन है टाइगर को उसका कैरेक्टर साफ करने वाला, तो अगर हम वो बेस लेके चले तो इसमें टाइगर का कोई रॉ का मिशन है ही नहीं. तो अगर कोई रॉ का मिशन है नहीं तो टाइगर पठान की मूवी में पठान को क्यों बोलेगा कि मैं जो मिशन पर जा रहा हूँ उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद लगेगी. अगर एट द सेम टाइम अगर हम फ्लिप साइड को देखें कि वो वाला मिशन एक्चुअली इनका पर्सनल मिशन ही था, लेकिन उससे चीजें और कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि इस पॉइंट तक क्या पठान को पता नहीं था कि टाइगर एक ट्रेटर है. तो अगर हम ऐसा सोचे तो चीजें काफी ज्यादा उलझने लगती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टार्टिंग में वो कॉल किया था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो वो कुमुद मिश्रा को ही किया गया था, पठान को नहीं किया था. और जो पाकिस्तान वाले सीन की मैं बात कर रहा था, तो इससे पहले रूमर्स थे कि टाइगर के कैरेक्टर को पाकिस्तान में कैद किया जाएगा, वहां पे पाकिस्तान से छुड़ाने के लिए आएंगे पठान का कैरेक्टर, जो कि प्रोबेबली मूवी का क्लाइमैक्स भी हो सकता है. तो मुझे कमेंट्स में बताओ तुम्हें क्या लगता है सबके बारे में. और मैंने टीजर का ब्रेकडाउन भी किया था इसके पहले, तो वो भी तुम जाके देख सकते हो. उससे भी हमें काफी कुछ चीजें पता चल रही थी मूवी के लोकेशंस के बारे में भी, तो वो भी एक बार चेकआउट कर लेना. और मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या तुम एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.